आज का प्रेरणा पाते टकराव टालिए, यानी आपस के अंदर प्रतिक्रिया विरति नहीं होनी चाहिए। जब दो पत्थर टकराते हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है, उसी तरीके से जब दो व्यक्ति आपस में टकराते हैं, टिट बिट्स करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो घर्षण होता है, और उस घर्षण से जो है जो दुख की उत्पत्ति होती है, उस घर्षण से लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ जाता है और कर्मों का अर्जन होता है। तो हर परिस्थिति के अंदर बेस्ट पॉलिसी है टकराव टालिए। कैसे टालें? कोई भी व्यक्ति हमारे उदय और जो प्रारब्ध के अधीन जो है वो हमारे को गाली देता है, दुख देता है, मारता है या पीटता है, तो हमें उसको निर्दोष समझना है और उसकी जो क्रिया होती है उसकी वापस प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो क्रिया के अंदर वो स्वयं बंधा हुआ है, वो अपनी मर्जी से क्रिया नहीं कर सकता है। वह क्रिया कराने वाली कुदरत है और कुदरत भी उसको निमित्त के रूप में वो क्रिया करवाती है, और क्रिया क्यों करवाती है कि ये ध्वनि की प्रतिध्वनि है, पूर्व जन्म के अंदर हमने उसके साथ में ऐसी क्रिया की थी तो उसके अनुरूप करता है। तो कुल मिला करके जो है आपके हिसाब वाला व्यक्ति संपर्क में आएगा, वो अच्छा बुरा करेगा, तो आप उसके साथ में टकराव मत करिए। हर परिस्थिति के अंदर टकराव को टालना चाहिए, और टकराव टालिए एक बहुत बड़ा सूत्र है कि इस सूत्र को हम अपना लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर कहीं भी संघर्ष नहीं आते हैं। सारे जीवन में जो संघर्ष आते हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया टकराव करने से आते हैं, तो उसको रोका जाना चाहिए।